इसका उद्घाटन था, तो माननीय महापौर जी ने मुझे फोन पे उसके पहले बात करी और उन्होंने कहा था ये ऐसा ऐसा बन गया है और ये आपके नाम का प्रस्ताव है। मैं तुरंत थोड़ी कभी कभी गुस्सा होती हूँ, जब प्रस्ताव हुआ था तब भी आपको बताती हूँ, जो उस समय के पार्षद मुझे बताने के लिए आए थे उन पर भी मैं गुस्सा हुई थी। अरे मुझे पूछने तो सही, मैं अभी जिंदा हूँ, अभी हूँ, क्या जरूरत मेरा नाम के प्रस्ताव करने के, जब बनेगा तब देखेंगे। ये मेरे आपके उस समय भी थे जो आए होंगे उनको याद होगा। महापौर जी ने भी मुझे वही कहा था, आपके नाम का प्रस्ताव है और हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री आए। मैंने कहा जो वाक्य उनको बोला वो आपको, ये भी मेरा सौभाग्य कि मैं जिंदा हूँ, अभी मैं हूँ। दिगम कोई ऐसी छोटी चीज नहीं रही है, ये मैंने कहा। अब बहुत पूरे नगर का विस्तार हो रहा है, उसमें कई सारी चीजें अब नगर निगम के अख्तियारी में आ रही, अख्तियारी में बोलते हैं ना, आ रही है। तो इसलिए पार्षदों का भी विजन बड़ा होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, ये सब बातें बताइए। और मुझे लगता है वही ठीक थी वो बताइए, बाकी तो कोई बहुत बड़ी बातें लोकसभा की या इसकी बताने की आवश्यकता नहीं थी। नगर निगम से संदर्भित जो जो आवश्यक लगा वो थोड़े में बताया, बाकी तो हमारे महापौर समझदार है, एडवोकेट है, काम किया है उन्होंने समाज में, तो मेरे विश्वास है वो दोनों मिलकर के, सभी पार्षद मिलके अच्छे चलाएंगे। और नाम का भी प्रभाव होता है ना, अटल सदन रखा है तो हो सकता है उसका भी एक प्रभाव तो आएगा, ऐसा मैं मानती हूँ, तो अच्छा चले चले। विपक्ष को भी आपने निर्देश दिए हैं, बताया कि किस मैं निर्देश के देने की मैं सक्षम नहीं हूँ, निर्देश नहीं दी, मगर आप यूं सुनो कि एक सीनियर सिटीजन जिसने सालों साल राजनीति में भी गवाए नहीं बोलूंगी, राजनीति में अच्छा काम किया है, अनुभव लिया है, तो चार अनुभव के बोल उनको। अपने नए अटल सदन में पहली परिषद मीटिंग में ताई के मार्गदर्शन के साथ ये सदन शुरू हुआ और भगवान श्री राम को अपने मंदिर में विराजमान करने, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने अभिनंदन किया है। साथ ही शहर हित के कई सारे प्रश्नों पर जवाब दिया, चाहे वो चुंगी से संबंधित हो। लेकिन जिस तरीके से शहर आगे बढ़ रहा है, स्वच्छता का सिरमौर ये शहर नंबर वन शहर है, उसमें विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है। और विपक्ष अकारण बिना किसी बात के ऐसे मुद्दों पे बहस करना चाहता है जो उनके प्रश्न में नहीं है, और प्रश्नकाल को भी बाधित करने का काम उन्होंने किया है। जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, और मैं आपके माध्यम से भी जनता से निवेदन करूंगा, जो हमारा संपत्ति कर है, पानी का बिल है, वो समय पर बढ़ेंगे तो विकास के काम होंगे। सरकार मदद कर रही है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ ही समय में बहुत सारे टेंडर हो रहे हैं और विकास के कार्य निकलेंगे।